हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान भाटी। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। आज का वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग का एक डाउट क्लियर होने वाला है। वो डाउट है हमारा, अगर सेंटेंस में ऑलरेडी और एट आए तो हम लोग उस केस में कौन से टेंस का यूज करेंगे। तो अगर सेंटेंस में आपका ऑलरेडी और एट आए तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, तो सबसे पहले सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं हैव और हैज, उसके बाद यूज करेंगे हम लोग वर्ब थर्ड, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट हम लोग हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, या वी कैन से दिस आल्सो अदर वर्ड। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस में आपका ऑलरेडी और फिर एट आ जाए तो उस समय हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा हमारा, उसके बाद हम लोग हैव और हैज का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब थ्री का यूज करेंगे, फिर अनदर वर्ड का। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आई हैव डैश अ लेटर ऑलरेडी। मैं एक लेटर लिख चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। तो इसका ऑप्शन आपके पास आता है राइट, रॉट, रिटेन और राइटिंग। राइट का भव वन है, रोड भव टू है, रिटेन भव थ्री है, एंड राइटिंग भव फोर। ने जस्ट सीखा कि अगर सेंटेंस में ऑलरेडी रहे या एट रहे तो उस टेंस केस में हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ तो हैव और हैज दिया गया है क्योंकि आई हैव सब्जेक्ट हो गया, आई हैव हो गया आपका वर्ब, उसके बाद दिया जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो हैव है ना वो हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब आपको मेन वर्ब चूज करना है, मेन वर्ब क्या होगा, तो राइट, रॉट, रिटेन, राइटिंग। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, रिटेन, क्योंकि राइट भव वन है, रोड भव टू है और रिटेन भव थ्री है। तो यहाँ पे हैव के साथ भव थ्री यूज होगा। तो हमारा ये डाउट क्लियर हो गया। और एक बात और, अगर सेंटेंस में हैव हैज और हैड, हैव और हैज का यूज हम लोग प्रेजेंट केस में करते हैं और हैड का यूज हम लोग पास्ट केस में करते हैं। अगर हैव हैज हैड आ जाए तो उसके कुछ भी रह जाए तो उस केस में हम लोग भव थ्री का यूज करेंगे। अगर भव का बात आए